गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी आ गए। हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, थैंक यू। चलो, मैंने कुछ काम दिया था, अगर आपने किया है तो उसके आगे से कंटिन्यू करें फिर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, मैंने क्वेश्चन वो पीएनएस के लिए बोला था शायद तुम्हें ना। अपन ने क्या पढ़ लिया था? सीएनएस पढ़ लिया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके दो पार्ट थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आज अपन पीएनएस मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दिया था, जिसमें दो तरह की क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, एक वो जो ब्रेन से निकलती है, एक जो वो स्पाइनल कोर से निकलती है। पढ़ लिया तुमने? चलो बहुत अच्छी बात है। हिमांश जी बेटा, जो स्पाइनल कोर से नर्व्स निकलती है वो कितने पेयर हैं टोटल? मोहित 12 होते हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर ब्रेन से निकलती है वो कितनी है? गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, इनके है ना, एक बार है ना, सिर्फ इतनी सी इमेज बना के रखो पीएनएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अपने को बस इतना सा काम ध्यान रखना कि कुछ 31 पेयर नर्व्स तो अपने को ना स्पाइनल कॉर्ड से मिलेंगी, यहां से 31 पेयर, और यहां से मिलेंगे अपने को 12 पेयर। अब आगे फंक्शन क्या होगा, तो आगे वाले पढ़ेंगे अपन, आगे वाले पढ़ेंगे। अब अपन थर्ड नर्वस सिस्टम की तरफ चलते हैं, विच इज एएनएस, ऑटोसोमल नर्वस सिस्टम। देखो, आपकी बॉडी में है ना एक एक नर्वस सिस्टम ऐसा भी काम कर रहा है कि अगर वो काम ना करेंगे तो आप भूल भूल में मर जाओ। भूल भूल में मरना मतलब समझते हो? मतलब जैसे अपन क्या करते हैं, अच्छा किसी घर में तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुमने ना पानी की जो टंकी चला, मोटर चलाते ना अपन टंकी भरने के लिए ऊपर वाली, वो चला दी और फिर भूल गए, ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ में? ऑब्वियसली हुआ होगा, बताओ देखिए किस किसके साथ हुआ। अनिल और अच्छा, ऐसा अब एक चीज वो इमेजिन करो
कि है ना अपन जैसे मोटर चला के भूल जाते तो नुकसान क्या हो रहा है, पानी का ही नुकसान हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट हो रहा है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने चलाई थी और वो भूल गया तो उसे जो ज्ञान मिलने वाला है मम्मी पापा से वो अलग से। ऐसा ही हमारे साथ में हमारी बॉडी के साथ में, ऐसा ही हम सब बिल्कुल ऐसा हमारी बॉडी के साथ में। हमारी बॉडी में क्या होता रहता है, एक ऐसा सिस्टम की जरूरत थी, एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो अपने आप काम कर सकता हूं, जिसमें ना ब्रेन स्पाइनल कोड इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, इस चीज का और इस चीज का कोई ऑपरेशन ही ना हो। ठीक है, क्योंकि ये पता है ये तब काम करती है जब आपको कहीं से स्टिमुलेशन मिलता है। जैसे ये चीजें है ना कि आपकी ये वाली ये स्टिमुलेशन कलेक्ट करके इसको दे देती और ये लेके जाती है फिर ब्रेन के पास, फिर ब्रेन क्या करता है वापस फंक्शनिंग में क्या आता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। लेकिन अगर आप सोचो ये तो तब काम करेगा जब स्टिमुलेशन मिल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आप आपको कांटा लगा या आपने हॉट सरफेस को छुआ तो फील हो रही है कोई चीज, लेकिन जो ये भूख लगना है, ये भूख लगना है, अगर मान लो आप जैसे स्कूल में बहुत पढ़ रहे हो या आपके एग्जाम आ रहे हैं या फिर आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तो भूख फील ही ना हो, भूख फील ना हो क्योंकि स्टिमुलेशन बाहर से मिल ही नहीं रहा ना, तो ऐसे में तो आप क्या होते हैं किससे ग्लूकोज की कमी से ही मर जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी फंक्शनिंग होना बहुत जरूरी थी बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी थे, बनाना बहुत जरूरी था, जो कि क्या कर सके आपकी बॉडी को रेगुलेट कर सके, जो आपकी बॉडी को क्या कर सके रेगुलेट कर सके, आपकी बॉडी को मेंटेन कर सके। उससे फायदा ये मिलने वाला था मुझे कि मेरी बॉडी है ना जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगी, प्रॉपर क्या कर पाएगी फंक्शनिंग, टाइम से टाइमिंगली बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे ना अपन ने पढ़ा है वो एक ग्लैंड पाई जाती है, कौन सी वाली है एड्रेनल ग्लैंड, वो कई बार क्या करती है जैसे आपको ना डू और डाई के लिए तैयार करते हैं, करो या मरो, भाग लो या भाग लो वाले, पार्टिसिपेट करो या रन अवे, उस सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे कई बार डर लगता है, जैसे अभी अभी पानी की टंकी वाला एग्जांपल हुआ ना, तो अगर पानी की टंकी का आपको ही पता लग गया कि मैं चला के भूल गई थी या भूल गया था और पानी गिरते में 10-15 मिनट हो गई और बहते बहते पड़ोसी के घर तक पहुंच चुका है, अगर ये बात सिर्फ आपको पता चली, ये बात सिर्फ आपको पता चली और मम्मी को नहीं पता है, आपने चुपचाप जाके क्या कर दी मोटर बंद कर दी, अब आप ये सोच रहे हो कि मम्मी बाहर ही ना निकले, अब आप ये सोच रहे हो कि ये मम्मी बाहर ना निकले ताकि वो मोटर वाला जो सीन दिख रहा है ना वो पानी को बाहर चला के बहकर के उसके बारे में किसी को पता ना चले, तो जो डर है इस सिचुएशन के बीच का डर है ना, क्या बात है निशा आगे देखो मैं पूरे 9 मिनट लेट आई है, तो ये जो डर है इसके लिए आपको तैयार करती है एड्रेनल। कैसे तैयार करती है आपको, चलो तुम्हें बताओ कैसे तैयार करती है, मैं बताता हूं फिर बाद में तुम बताओ कि एड्रेनल ऐसा क्या कर देती है आपकी बॉडी में चेंज जो आपको सिचुएशन के लिए तैयार कर देती है। एड्रेनल ऐसा क्या करती है कि आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है, ऑब्वियसली एड्रेनलिन हार्मोन है, लेकिन वो काम क्या करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन है ना वो करेगा क्या आपकी बॉडी में, ऐसा क्या चेंज कर देगा कि आप मरोगे नहीं, आपको डर सहने की ताकत देगा, तो वो ऐसा क्या चेंज कर देगा आपकी बॉडी में, ऑनलाइन पीटना स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑनलाइन को भेजा करेंगे घंटे घर पे खुद को खुद पीट लेना। चलो ऐसे समझो, देखो एक्चुअली क्या होता है जो अपना ये सिस्टम है ना एनएस, इसमें इन ग्लैंड्स का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिव नाम है, इसलिए मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि जो एड्रेनल है ना वो आपकी बॉडी को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, और बॉडी को क्या करता है स्टिमुलेट करता है सबकी रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, जब डर लगता है ना हार्ट बीट तेज चल रही होती है ना तो ब्लड सर्कुलेशन डबल स्पीड से होता है
और अगर अच्छा खासा कांड करके आया ना कोई बहुत तगड़े वाला जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तो क्या होगा, पसीने भी आएंगे, तो क्या होंगे, पसीने आएंगे और दिमाग है ना वो 180 की स्पीड से भाग रहा है, चाहे गलत ही डायरेक्शन में भाग रहा है वो बात है, लेकिन आप आइडिया सोच के ऐसा कर देता हूँ, मैं ये बहाना देता हूँ पापा को तो मेरा वो काम ऐसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ये सारी सिचुएशन आपको एड्रेनल तैयार करके देता है, और उसके लिए जो आपका जो कौन सा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका ऑटोसोमल नर्वस सिस्टम, कौन सा है, ऑटोसोमल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एड्रेनल, तो इसके अंदर है ना, इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किसी भी तरह की ना कोई भी मोटर न्यूरॉन नहीं चाहिए, किसी भी तरह की कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है इसका, इसके ऊपर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो या तो आपकी जो ग्लैंड्स है ना जो केमिकल सीक्रेट करती है जिनका नाम है हॉर्मोन्स, वो या गैंग्लियन या नर्व्स, ये कुछ चीजें मिलकर इसको पूरा प्रॉपरली फंक्शनिंग देती है, ठीक है ना, तो और कौन से ऑर्गन्स को देती है, विसरल ऑर्गन्स, जो इन्वॉल्वेंट्री ऑर्गन्स है ना, एलिमेंट्री कैनाल रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है उसको ये ऑर्डर देती है, लेकिन ये है ना बेटा, जैसे अभी मैंने बताया हार्ट रेट हैविंग, पसीने आ रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन की रेट डबल चल रही है, लेकिन कितनी देर, ठीक है, आप तो चालू करके भूल जाओ, सोचो अगर ये सब चीज इसमें होती है ना, तो आप तो चालू करके भूल जाओ, पता चले निकल गए, टिकट टिकट कट गई सबकी, उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी बॉडी में है ना एक दूसरा सिस्टम डेवलप करके दिया, विच इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो खुद को खुद ही देख लेता है, जो खुद को खुद ही क्या कर लेता है, ऑपरेट कर लेता है, जैसे आजकल अपने घर में स्मार्ट एसी लगते हैं ना, जो कूलिंग टेम्परेचर अपने आप मेंटेन कर लेते हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर ज्यादा ठंडा नहीं करता, बिल्कुल प्रॉपर टेम्परेचर रखता है, ज्यादा ठंडा होता है अपने आप क्या होता है, ऑटो कट होता है, एयर कंडीशनर भी यही है कि आप सेट कर दो रूम का टेम्परेचर 25 पे सेट कर दिया, तो वो क्या होगा, जैसे रूम 25 पे होगा थोड़ी देर बाद में अपना क्या होता है, बंद हो जाता है, जैसे ही टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज होगा दोबारा ऑन हो जाता है, ऐसा ही है, तो इसके दो पार्ट है, इसके दो पार्ट है, ताकि क्या उसके इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, तो एक पहला जो पार्ट है वो है सिंपेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपेटिक, और दूसरा है हमारा पैरासिंपेटिक, ठीक है ना, तो इस सिस्टम के हमारे कितने पार्ट है, दो पार्ट है, पहला सिंपेटिक पैरा और दूसरा पैरासिंपेटिक, दोनों फंक्शन है, एक्चुअली होता क्या, देखो आपकी हार्ट बीट का इंक्रीज होना, इंक्रीज इन हार्ट बीट, कोई बड़ा बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होना, ये सिंपेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का सिंपेटिक नर्वस सिस्टम काम कर देता है कि आपको डर लग रहा था तो आपके हार्ट बीट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, ये आप भाग के आए बहुत तेज दौड़ रहे थे, स्टेट से अभी भी उतर के आए, ठीक है ना, वो टंकी देखने गए थे ना, वाली वही टंकी देख के आए, वो भर रही है अभी और भरते भरते गिर गई 10 मिनट बाद पता लगा, वो देख के आए तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कितनी देर, उसे कंट्रोल भी करना है ना, ठीक है, उसे कंट्रोल करना है, तो इस इंक्रीज को डिक्रीज करने का काम कौन सा कर देता है, पैरासिंपेटिक नर्वस सिस्टम कर देता है, डिक्रीज इन हार्ट बीट, डिक्रीज का मतलब है ना, डिक्रीज का मतलब ये डिप कर देगा, नॉर्मल कर देगा, डिक्रीज वर्ड की जगह अपन नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल कर देगा, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, अपोजिट काम करते हैं, ये उन सिचुएशंस को बढ़ा देगा, ये उन सिचुएशंस को क्या कर देगा, कम कर देगा, जैसे स्वेटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, आप दौड़ के आए ना पसीने आ रहे तो उसे क्या कर देगा, ये नॉर्मल कंडीशन कर देगा, यानी कि जो स्वेट ग्लैंड्स है उन्हें एक्टिव ये कर देता है, इनएक्टिव ये कर देता है, ठीक है, जैसे आपको डर लगता है ना तो आपका डाइजेशन है ना एक बार रुक जाता है, अगर आप डरे हुए हैं ना टेंशन में होता है, बोलते हैं ना कि चिंता तो चिता के समान, वो इसीलिए क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपका ना डाइजेशन वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो ये डाइजेशन को डिक्रीज कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो आपकी बॉडी के ये क्या करता है, कंट्रोल में करता है, जैसे अचानक से आए तो आप डर गए ना, बॉडी वाइब्रेट करना चालू कर देती है, तो वो सिंपेटिक इसको ऑपरेट कर देता है, इसको वापस क्या कर देता है, नॉर्मल कर देता है, आंखों की पुतलियों का बढ़ना इससे है, वापस नॉर्मल आना इसके कंडीशन में, और भी बहुत सारी सिस्टम है, तो आपके पास टेबल होगी, आप एक बार बुक में देख लेना, हाँ ये ब्लड फ्लो को क्या करता है, हार्ट बीट को तो बढ़ाएगा, ब्लड फ्लो को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ये डिक्रीज करता है, मतलब नॉर्मल, डिक्रीज से मतलब क्या, नॉर्मल, तो सिंपेटिक और पैरासिंपेटिक मिलकर के क्या करते हैं, आपका ऑटोनोमस
नर्वस सिस्टम ऑपरेट करते हैं और ये चीजें किसके कंट्रोल में है, बहुत सारे हार्मोन से, बहुत सारे हार्मोन से, जैसे ना अच्छा हाउ मच ऑफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, कितने बच्चे आप में से इंस्टाग्राम पे, आप में से कितने बच्चे इंस्टाग्राम पे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ईमानदारी से बता दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो शायद मैं भी फॉलो कर रहा हूं और वो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो है वो बताओ, थम अनिल है, हाँ मतलब जो जो है सब बता दो अपने अपने। ओहो लीना जी आ गए हमारे, वेलकम लीना जी, अंबिका भी है, अंबिका दो दो इंस्टाग्राम यूज करती है, एक पे तो पूरी आती नहीं होगी, क्यों अंबिका बच्चों में से सिर्फ अनिल ही यूज करता है क्या, बाकी आ रही है क्या, शुभम का है हमारा, शुभम भी तो है ना, अच्छा मैंने बोर्ड पे कुछ नाम पढ़े लिखे हैं, तुम में से कितने बच्चे हैं जो इन चीजों को जानते हैं, कितने बच्चे हैं जो इन्हें जानते हैं, जो बोर्ड पे नाम लिखा है, नाम सुने हुए हो या फिर कभी, पायल ने सुने हैं, लीना इधर का दिख नहीं रहा है क्या, ले बिल्कुल ले, सुना है कीर्ति, कहां सुना है बेटा, क्या नाम नहीं है, ये नाम कहां सुने आपने, सर तीन सुने, कौन कौन से लीना, तीन कौन कौन से सुने बता बेटा, ऑक्सीटोसिन सुना है एक तो लास्ट थ्री, अच्छा डोपामाइन स्टेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन ये सुने हैं, अच्छा काम क्या करते हैं ये बता सकते हो, तुम में से कोई भी तुम में से एक बता सकता हो जो इसका काम कर सकता हो, चलो ठीक है, सब देखो मैंने इंस्टाग्राम क्यों पूछा ये समझ ना, ये इस टॉपिक से मेरे क्या रिलेशन रखता है, देखो कुछ ऑक्सीटोसिन मिल्क सेक्रेशन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में पढ़ाया, तो जो ये टॉपिक है ना, ये जो मैंने नाम लिखेंगे, दीज आर द फ्यू हार्मोन्स जो आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना तब आपको बहुत बहुत फंक्शनिंग में रहते हैं, जैसे देखिए कुछ पोस्ट आई आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ पोस्ट आती है जो आपको मोटिवेट कर जाती है, जो कुछ क्या करती है मोटिवेट करती है, चेक करती है 2 सेकंड के लिए,
ठीक है ना, कोई स्टेटमेंट लिखी हुई आ गई किसी किसी बड़े उसकी अमीर आदमी की कि मैं ऐसा था और मैं जो ऐसे आ गया, मैंने यहां मेहनत की, तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ना वो ये डोपामाइन है, मोटिवेशन हार्मोन कहलाता है, ठीक है, मोटिवेट करता है, या रिवॉर्डिंग हार्मोन भी कह सकते हैं इसको, रिवॉर्ड देने वाला, खुशी देने वाला, जैसे आपने कुछ सोचा और वैसा का वैसा हुआ ना, तो उस टाइम ये एक्टिवेट रहता है। कई बार आप लोगों ने ऐसे स्माइल आती है कुछ कुछ पढ़ करके, बहुत ज्यादा फनी नहीं होता, ठीक है, वो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ना वो ये स्टेरोटोनिन, जो लीना ने बताया ना एलर्जेटिक के लिए रिस्पॉन्स करता है, उसके अलावा ये वाला फंक्शन भी करता है, ठीक है, कौन सा, स्टेरोटेनिन, ठीक है। और जो एंडोफाइनिन है ये बड़ा कमाल की चीज है, ये बड़ा कमाल का एक रिस्पॉन्स देता है, जैसे अपन कई बार ऐसे फालतू में दुख में घूमते रहते हैं ना, उसमें जो रिलैक्स फील करवाता है ना ये। आपकी बॉडी में कोई खास चेंज नहीं हो रहा, आपको पता भी नहीं लगता, आपकी बॉडी में कोई खास चेंज नहीं होते इससे, आपको पता भी नहीं लगता, ये स्माइलिंग हार्मोन जो पेन से रिलैक्स फील करवाता है। तो देखो ये वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी में कोई खास चेंज नहीं लेके आती, लेकिन आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करवाती है, आपकी बॉडी क्या होती है रिलैक्स फील करती है, इन चीजों को पढ़ते हैं। आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं ना, तो आप हर 5-10 मिनट बाद में ना आपके मूड है ना स्विंग होता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं। कई बार आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश, कभी पेन में रिलीफ, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है ना। ये सारा काम किसके कंट्रोल में आ रहा है, एएनएस के कंट्रोल में आ रहा है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। कई बार कुछ ऐसी चीजें पड़ती है जिससे ना आपको बहुत शौक मिलता है, ठीक है, जैसे आप ज्यादा दिन है ना इंस्टाग्राम यूज करते, तो आप तो अलग अलग चीजें करते हो, आजकल बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें भी मिलती है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो वो चीजें अपने को क्या करती है, पेन देती, आदमी क्या हो जाता है बहुत हेक्टिक सा फील करने लगता है, इसको बंद करो छोड़ दो, बंद भी कर देते कुछ लोग तो, ठीक है, कुछ लोग बियर कर जाते हैं उस चीज को। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आपका जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ना वो आपको बिना कहे बिना बताए बिना पूछे क्या कर सकता है, सारी कंट्रोलिंग कर सकता है। बस ध्यान रखना है जो चीजें आपने इंक्रीज करी है उनको आपको क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। इसीलिए इसके साथ दो सिस्टम ऑपरेटेड है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में जो चीजें बढ़ रही है पैरासिंपैथेटिक में डिक्रीज हो जाएंगे, और यहाँ पे जो चीजें डिक्रीज हो रही है पैरासिंपैथेटिक में वापस इंक्रीज हो जाएंगे, नॉर्मल रेट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये हुआ आपका नर्वस सिस्टम का काम। अब बात करते हैं अपने रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन दो तरीके के होते हैं, नाम सुना हुआ है क्या रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन सुना हुआ है कभी किसी ने, एक तो होता है सिंपल या जिसे अनकंडीशनल बोलते हैं, अनकंडीशनल, सिंपल या अनकंडीशनल, और दूसरा है हमारे पास में एक्वायर्ड। जैसे समझो क्या है दोनों भाई, रिफ्लेक्स एक्शन वो सब चीजें हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है किसी पर्टिकुलर स्टिमुलेशन के लिए आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स करना, क्या कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे पतासी वाले के पास जाके खड़ा होना और आपके मुंह में पानी का आना, घर में अगर बटर पनीर की सब्जी बन रही हो तो उस दिन ज्यादा रोटी खा लेना, ठीक है, अच्छे खाने की खुशबू आपको बता देती है कि आज खाने में बना क्या है, ठीक है। जैसे मेरे को लीना को सिमरन को तो ना कहीं पे चिकन मटन बन रहा होता ना, अगर हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर बन रहा होता तो हम बता देते हैं कि हाँ इसमें किस चीज की कमी होगी, ठीक है, ऐसे। तो लेकिन मैंने क्या किया, इस पूरी चीजों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पूरे रिफ्लेक्स एक्शन को हमने क्या 2 चीजों में डिवाइड किया है, एक सिंपल वाले में और एक एक्वायर्ड वाले में। ये अनकंडीशनल है, थोड़ा ऐसे लिखने में है अनकंडीशनल। सिंपल का मतलब ऐसा है जो आप पैदा हुए थे ना तब लेके ही पैदा हुए थे, ऐसा एक सिस्टम जो आप पैदा हुए थे ना तभी वो सिस्टम आप में था। जैसे छोटा बच्चा उसको पैदा होते हुए थप्पड़ मारते हैं तो वो रोने लग जाता है, तो उसको सिखाया थोड़ी ना किसी ने, उसके क्या है बिल्कुल पैदा होते ही आया। जैसे आपको छींक आती है,
ठीक है, तो आपके फेस के एक्सप्रेशन क्या होते हैं अपने आप बदल जाते हैं, कुछ की तो आवाज पड़ोसी तक जाती है, खांसी आती है, ठीक है, या आंखों पे अचानक से लाइट आए तो आईज का बंद हो जाना, ये सब कौन से हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल है, स्टिमुलेशन लाइट, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स क्या किया, आईज क्लोज हो गई, तो ये सिंपल वाले रिफ्लेक्स एक्शन है, किसी रिस्पॉन्स के किसी स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्स शो करना कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब दूसरी वाली चीज, ठीक है, अब दूसरे वाली चीज की बात करते हैं, इसमें ना बहुत सारी चीजें मिलकर के काम करती हैं, आप अकेले नहीं, आपके ब्रेन के ना बहुत सारी नर्व्स, सेंसरी ऑर्गन, जैसे आईज एक सेंसरी ऑर्गन है और जो ऑप्टिक नर्व्स होंगी वो लेके जाती है इंफॉर्मेशन ब्रेन तक, ठीक है, ऐसे एक आती है एक्वायर्ड, तो एक्वायर्ड के लिए ना एक नाम याद रखना, एवोन पेवलोग नाम है, पेवलोग नाम से ज्यादा फेमस है, आप तो पेवलोग याद कर लो, एवोन पेवलोग एक आदमी था, अच्छा था, पढ़ा लिखा था, अपने जैसे नहीं था, अनपढ़ आदमी, थोड़ा समझदार था, उन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाई, जैसे लकड़ी की टेबल बनाई बड़ी सी, और उस पर कुत्ते को बांध दिया, अच्छे से समझने की कोशिश कर, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने क्या किया, एक डॉग को बांध दिया, कितने बांधे हैं, चार बांधे क्या, उसको छोटी सी मेरी तरफ से डॉग है, तुम्हारी तरफ से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसके ना जो स्लाइवा वाला जो पार्ट है उसके लिए ऊपर एक जार कनेक्ट कर दिया, अब ये क्या करते थे, इसे खाना देते थे, और खाना देते टाइम एक घंटी बजाते थे, एक रिंग भी लगा देते, मंदिर वाली घंटी लगा ले, जैसे खाना चालू होता था ना ये घंटी बजना चालू हो जाती थी, खाना देते थे और घंटी बजाते थे, खाना देते थे और घंटी बजाते थे, तो इसके बाउल में खाना डालता था और घंटी बजना चालू हो जाती थी, फिर घंटी बजती थी और खाना चालू हो जाता था, उन्होंने इस चीज को कुछ हफ्ते तक प्रैक्टिस करा, कुछ हफ्ते तक प्रैक्टिस किया, और आप यकीन नहीं करेंगे भाई, नॉर्मल सी बात है, खाना देख करके मुंह में पानी आना स्वाभाविक बात है, इसके साथ ही साथ खाना देते थे मुंह में पानी आता था, घंटी बजती थी खाना देते, इन्होंने 2-3 सप्ताह बाद में नोटिस किया कि इन्होंने इस दिन इसको ना खाना नहीं दिया और घंटी बजाना चालू कर दिया, खाना नहीं दिया और घंटी बजाना चालू कर दिया, और भाई साहब चमत्कार हो गया, इसके मुंह में से ना वैसे लार बढ़ना चालू हो गई, जैसे मेरे और सिमरन के पड़ती है ना दूर से नॉनवेज की फुसफुसे वैसे, ठीक है, तो इनके मुंह में क्या आने, इसके मुंह में क्या आने लगे, लार टपकना चालू हो गई, ठीक है, इस चीज को कहते हैं एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, क्या कहते हैं, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जो आपने आके अर्न कर लिया, कमा लिया, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, जैसे और भी बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन, ये एक छोटा सा एग्जांपल था, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, जैसे वो नहीं होती क्या गाड़ी का सिग्नल होता है, रोड लाइट सिग्नल होता है, रेड बत्ती को देख के रुक जाना, आपको कोई बोल नहीं रहा है लेकिन आपके ब्रेन में क्या हो गया, उसके लिए क्या आ गया, एक चीज याद हो गई, ठीक है, एक चीज याद हो गई, और वरना एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो तुम सबने नोटिस किया, ठीक है, एक दिन क्या हुआ, पायल और निशा स्कूल से घर जा रही थी, छुट्टी पे बात है, तो इन्होंने देखा थोड़ा सा आगे चली और इनके पीछे कुत्ते आ गए, कुत्ते के छोटे बच्चे आ गए, ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, निशा की तो निशा की और पायल कुत्तों से बनती नहीं, इन्हें लगा ये हमें खा जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, बस ऐसे झुके नीचे, अपने अपने स्कूल की गली के अंदर पत्थर वत्थर तो कहीं मिले नहीं इन्हें, तो बस ऐसे झुके, देखो डॉग को कोई चीज ऐसी याद थी पहले से, कोई ऐसे झुकता है ना तो पत्थर उठा के हमारे ऊपर मार देता है, क्योंकि ये काम रोज शुभम और मोहित कर रहे थे उनके साथ, वो आते थे उठाते थे पत्थर मार देते हैं, पायल और निशा को पत्थर तो नहीं दिखा, लेकिन ये नीचे झुके और उनकी तरफ ऐसे किया, इतने में तो कुत्ता भाग गया, ये चीज की जो लर्निंग है डॉग की, ये चीज की जो लर्निंग है ये कौन सा है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, और भी बहुत सारे, जैसे वो पोछे वाला एग्जाम्पल, मम्मी ने पोछा लगाया इंस्टेंटली और आपने पैर रख दिया हो, फिर आपके दिमाग में जो विचार आया आता है ना तुरंत कि उस दिन मेरे को ऐसा ऐसा सुनने को मिला था तो मुझे आज भी तैयार रहना चाहिए, या बहुत सारे अपने घर में तो डेली होता है ऐसा, खाने पीने के बर्तन कहीं रख दिए, एक वो टॉवल द मोस्ट क्राइम, अगर आपने गीला टॉवल बेड पे रख दिया और आप चले गए, फिर देखो फिर आओ फिर तुम दोबारा तुम्हारे देखो क्या होता है, फिर तुम्हें बताएंगे कि एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन होती क्या चीज है। चलो यहां तक बताओ भाई, समझ में आ गया,
यहां तक वाला सारा टॉपिक समझ में आ गया तो फिर अपन पढ़ते हैं एक छोटा सा एग्जांपल जो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। नाम याद रखना, अगला पैवलोव नाम ने किया था, ये डॉग वाला एग्जांपल है ना, ठीक है। ये वाला डायग्राम किस किसने देखा है? एक दिन क्या हुआ भाई, हम खाना बना रहे थे, ठीक है, खाना बनाते बनाते अचानक हमारा हाथ क्या हुआ, पतीले को छू गया, जिस पतीले में खाना बना रहा था उसी में क्या हुआ, खाने को हाथ लगा दिया। इससे क्या हुआ, मेरे यहां की जो कई बार होता है खासकर गर्ल्स जैसे खाना वाना बनाते रहते हैं तो जो तवा होता है तो उसकी हॉट सरफेस को टच हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहां पे हमारे चारों तरफ क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन का नाम क्या बेटा, स्किन। कौन सी है सेंसरी ऑर्गन, कौन सा काम कर गया, स्किन। इसने क्या कर लिया, रिसेप्टर ले लिया, ये रिसेप्टर है, ये मैसेज को क्या करता है, कलेक्ट करता है। इसने देखा कि सरफेस तो क्या है, गर्म है, और इसने है ना हमारे जो रिसेप्टर नर्व्स है उनको ये इंफॉर्मेशन दे दी, ये इंफॉर्मेशन तेजी से ट्रेवल करके गई जिसके पास में, स्पाइनल कॉर्ड के पास में, स्पाइनल कॉर्ड के पास में, ये गैंग्लियन से होती हुई आई और यहां पे वो पाया जाता है आपके न्यूरॉन वगैरह। उन्होंने क्या कर दिया, इसको ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजी और ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर थी कि गर्म कोई चीज होती है ना उसको हटा लेना चाहिए, नहीं तो ना ब्लिस्टर्स निकल आते हैं, पपोले हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेन ने मैसेज को क्या कर दिया, रिले कर दिया कि जाओ और तुरंत हटाओ। वो मैसेज वापिस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फंक्शनिंग ऑर्गन तक आना होता है उसको, तो वो मोटर न्यूरोन लेके आती है। कौन लेके आती, मोटर न्यूरोन। मोटर न्यूरोन क्या करती है, जो नियर बाय ऑर्गन होगा ना, जो फंक्शनिंग ऑर्गन है उसको ये मैसेज दे देती है, फंक्शनिंग ऑर्गन उसको मैसेज देती है और ये हाथ क्या करके लगा हटा दिया जाता है। इस पूरे को एक रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। लेकिन अच्छे से समझो, देखो ये पूरी चीज कैसे काम हुई, ये पूरा काम कैसे हो, जैसे मान लो स्टिमुलेशन मिला, यहां पे स्टिमुलेशन क्या मिला है, हॉट सरफेस होना। स्टिमुलेशन कुछ भी हो सकता है, थप्पड़ हो सकता है, डर हो सकता है, कांटे हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है, रेड सिग्नल हो सकता है, स्टिमुलेशन कुछ भी हो सकता है। कमरे में बहुत गंदी स्मेल आ रही हो, कोई बहुत तेज शोर आ रहा हो, ठीक है, पापा की आवाज हो सकती है, स्टिमुलेशन
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलता है, कौन एक्सेप्ट कर लेता है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। वो स्टिमुलेशन किसको दिए जाते हैं, सबसे पहले आपके रिसेप्टर को, जैसे यहां पे स्किन ने रिसेप्ट किया है तो रिसेप्टर ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन अपने पास में पांच थे, जैसे यहां पे तो स्किन काम कर रही है, नोज हो सकते हैं, ईयर हो सकता है, जैसा मैसेज होगा उसको वही एक्सेप्ट करे। वो रिसेप्टर ऑर्गन उनको क्या करता है, सेंसरी नर्व्स को क्या करता है, मैसेज पहुंचा देता है। सेंसरी नर्व्स को क्या करता है, मैसेज पहुंचा देता है। सेंसरी नर्व्स उसको लेके जाती है किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास में, क्योंकि ये क्या कर सकता है, सबसे शॉर्टेस्ट वे है, ये सबसे क्या है, शॉर्टेस्ट वे है। ये वो सेंसरी नर्व्स पढ़ी थी ना अपन ने, मैं बोला था ये वाली 31 और वाली, यहां तक मैसेज पहुंचा, ये स्पाइनल कॉर्ड को देती है, स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेट करवाती है ब्रेन से कि क्या करना चाहिए। जैसे मान लो ये तवा है, इसकी दो पोजीशन हो सकती है, इसकी दो स्टेट हो सकती है, एक बार ये गर्म होता है और एक बार ये क्या होता है, ठंडा होता है। तो जब ये ठंडा होता है तब आपको हाथ हटाने की जरूरत थोड़ी ना होती है, सिर्फ गर्म को ही हटाने की जरूरत होती है। लेकिन इस चीज को कंपेयर कौन करेगा, आपका ब्रेन, इस चीज पर फंक्शन कौन करेगा, ब्रेन। तो ब्रेन डिसाइड करेगा कि इसे हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। अब यहां पे तो हटाना है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, मोटर नर्व्स को वापस मैसेज लेके आया, स्पाइनल कॉर्ड ने इंटर को उस पर कर लिया, फंक्शन कर लिया, इसने मोटर नर्व्स को कहा कि जाओ और ये हाथ हटा दो, ये वाला। अब ये मैसेज यहां तक आए तब तक टाइम लगेगा, इसीलिए ये सिर्फ फंक्शनिंग ऑर्गन को मैसेज देता है, किसको, फंक्शनिंग ऑर्गन को, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं अपन, हाथ पूरा हटा सकते हैं। जैसे मान लो मेरा हाथ है, ये हो सरफेस है, तो ये फिंगर मेरी टच हुई तो कभी भी ये फिंगर नहीं हटती पूरी, ये पूरा हाथ ही क्या होता है, पीछे चला जाता है, इसीलिए ये फंक्शनिंग ऑर्गन है। ये क्या है, फंक्शनिंग ऑर्गन होता है, इसे बोल सकते हैं इफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका हाथ हट जाता है और यहां से लेके यहां तक की कटना पूरी क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स आर्क बनाती है, मैसेज का जाना और वापस आना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है। और इस पूरे को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स ऑर्गन, ठीक है। आगे समझ में, यहां तक बिल्कुल इस चैप्टर के भी नोट्स बनाओ, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। नए चैप्टर के साथ कुछ समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।